चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा तुझसे तू जो करे प्यार मुझसे छोटा सा घर लेके दूंगा सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं किसी का बाप नहीं दे सकता। महंगाई इतनी हो गई खाली बातों बातों में कहते रहो सोना ना चांदी ना कुछ। कचरा इतना महंगा हो गया अल्लाह माफ करे किसी अफगानी से पूछो खाली बोरी देगा। कह रहा मैं तो नहीं दूंगा खाली बोरी आपको, मेरी बोरी बिक जाती है 75 रुपए की, कचरा तो अलग है डेढ़। माशाल्लाह ये आजकल महंगाई हर तरफ महंगाई की खबरें आ रही हैं। इधर देखो महंगाई, पेट्रोल महंगा, गोश्त महंगा, हर चीज महंगी हो, कोई चीज सस्ती नहीं है। अल्लाह इस महंगाई से जान छुड़ा दे। परवरदिगार ये खबरें सुन सुन के हमारे कान पक गए। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गली है। कौन है मोहतरमा आप? मैं स्टाफ से दूर खड़े रहने वाली औरत। स्टाफ से दूर मैं समझा नहीं क्यों? कन्वेंस की खातिर। अरे यार लाला भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मैं ये कपड़े पहन के स्टाफ के कोने पे खड़ा हो जाता हूँ, सिर्फ यूं करता हूँ 1000 बाइकें आके रुक जाती हैं। माशाल्लाह 1000 बाइकें रुक जाती हैं। बुर्का पहना हुआ तुमने, शर्म करो, ये औरतों को पहनना चाहिए, औरतों का है। तो आजकल औरतें पहन गा रही हैं, हम ही पहनेंगे ना। हाँ ये बात भी तुम्हारी सही है, सन 1970 से तो मैंने बुर्का देखा ही नहीं है। 65 में मैंने देखा था अपनी वालदा को टोपी वाला पहनती थी, फिर बुर्का नीचे से जल गया था स्त्री में, अब्बा ने टोपी काट के अपने लिए जुम्मे की नमाज के लिए रख ली, बुर्का फिर भी नहीं है। अरे वो टोपी वाले बुर्कों के जमाने गए लाला भाई, आजकल ये बुर्के चल रहे हैं। हबीब बैंक की छत पे चढ़ो, हाथ खोलो, सीधा जहां पहुंचना है पहुंच जाओगे तुम। हबीब बैंक से नीचे उतरोगे सारे पाकिस्तानी है, जिस जगह पहुंचना है उधर पहुंचने ही नहीं देंगे तुम्हें। अरे तुम कैसे मर दो यार, बजट के बाद भाई ऐसे ही आ रहे हैं लाला भाई। अरे औरतों का एहतराम करो, औरत माँ होती है। हर औरत भी माँ नहीं होती। तुम्हें पता है औरत कायनात का हुस्न है और मर्द कायनात की रौनक है। औरत वफा का पैकर है और मर्द वुडी वुड पैकर है। जब तक चोंच मारता रहेगा जब तक लड़की फंस ना जाए। औरत वफा की खुशबू है, मर्द इतर का भोया है। औरत धड़कता दिल है और उसी औरत की वजह से धड़कते दिल बंद हो जाते हम लड़कों के। औरत बहन है, बीवी है, माँ है। हर औरत भी माँ नहीं है। अरे माँ के कदमों तले जन्नत है और बीवी के कदमों तले शोहर है। माँ बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना सिखाती है। माँ जन्नत की ठंडी हवा है और बीवी उसी जन्नत में पहुंचाने की दवा है। बात तो तू सही कर रहा है बुरके वाली माई, बिल्कुल अच्छी बातें हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, औरत का एहतराम हम सब पे लाजिम है, क्योंकि औरत माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी है, घर को जन्नत बनाने वाली औरत होती है। और मुझे लग रहा है तुम जन्नत जन्नत बड़ा कर रहे हो, तुम्हें क्या जन्नत पहुंचना है? जन्नत के चक्कर में कौन नहीं है, हर आदमी जन्नत के चक्कर में। हाँ। तुम्हारी बीवी का क्या नाम है? जन्नत। बस अब मैं इसी मिशन पे लगूंगा इंशाल्लाह, फिर निकला। चलो 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 जाओ, मुझे शो शुरू करना है। चलो चले ठीक है, चलो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तू भी मुझे अपनी दवाओं में याद रखियो। क्या हो गया हमारे माशरे को यार, लड़के पेट्रोल महंगा हो गया, अपने कन्वेंस के लिए बुर्का पहन के निकल रहे, अब 3 बुर्के आप लोगों के लिए भी मुझे लेने पड़ेंगे यार। मैं भी ले लूंगा, चारों निकलेंगे, पहले जाएंगे अपन माई मकली, वहां कुछ पैदा करेंगे, फिर निकलेंगे अपने काम से। खवातीन हजरात ये तो तंज़ो मज़ा चल रहा था, लेकिन अब वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का
जिसमें हम अपने प्यारे से गेस्ट को बुलाते हैं। ख्वातीन हज़रात, आज हमारे जो गेस्ट हैं मेरे सीनियर हैं, उस्तादों का दर्जा रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, इखलाक मोहब्बत तो उन पर ख़त्म है। जब मिलेंगे ना, हम दो दिन बाद भी मिलेंगे तो लगेगा कि हम बरसों बाद मिले, और इतना प्यार करने वाले आदमी हैं। तो ख्वातीन हज़रात, मैं अपने उस प्यारे दोस्त को बुला रहा हूँ, फिर उनके साथ बातें चलेंगी, गपशप चलती रहेगी। आपकी तालियों में आते हैं आफ्ताब आलम जानू जर्मा। खानदान खुलवाओगे? अरे लाला, मैंने कहा था ना, अरे लाला। 5 मिनट पहले हम लोग मेकअप रूम में मिले, लेकिन मिलना इनका ऐसा ही है, मोहब्बत से, दिल से। तशरीफ रखे हैं आफ्ताब भाई, वेलकम आफ्ताब भाई, वेलकम। आप आज हमारे शो में आए, हमारे शो की शान बढ़ाई, माशाल्लाह। सन 1987 आपकी जिंदगी में एक नया टर्न लेके आया। आप PTV के प्रोग्राम छोटी सी दुनिया में आए और बड़ी दुनिया में छा गए, माशाल्लाह। तो ये क्या टीवी वालों ने आपको कॉल करके बुक किया था, ये आपका पहला सीरियल था? रऊफ लाला, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को। यकीन करें, बेइंतहा खुशी हुई है यहाँ आकर, और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई है कि ये पहला चैनल है जो सिर्फ कराची के आर्टिस्टों को पेश कर रहा है। वाह 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 वाह। तो सबसे पहले मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि मुझे PTV दिखाओ, PTV दिखाओ, PTV स्टेशन दिखाओ। आपने देखा ही नहीं था? नहीं, अल्लाह यूसुफ अली मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो मुझे TV स्टेशन दिखाने ले गए। अच्छा, तो मैं गया TV पर, मुझे यूसुफ अली ले गया और उन्होंने कहा सर इसको करेक्टर दीजिएगा। तो बहरहाल मुझसे ये कहा गया कि देखो, ये पहले कुर्बान जिलानी ये रोल कर रहे थे। अच्छा, कुर्बान जिलानी आपको पूछेंगे दिस इज द वे ऑफ फॉरेस्ट, आपने कहना 1 2 3 बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगा। मैंने कहा नहीं, अभी तो कुर्बान जिलानी ने आधा जुमला बोला था कि दिस इज द वे, हम जज्बाती थे, शौकीन थे। हमने कहा 1 2 3 प्रोड्यूसर ने मेरी तरफ देख के कहा केर चाहिए तहाँ के। यूसुफ अली ने बोला नहीं नहीं, आप दिल में 10 तक गिनो। अब मैंने दिल में 10 तक इस तरह गिना कि सुबह से शाम हो गई। कहते ये कब बोलेगा? यूसुफ अली ने कहा मैं यूं करूंगा तो बोलना, वो करना भूल गए। खैर, मुख्तसर ये है कि फिर इसके बाद जब मुझे ये करेक्टर मिला, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने छोड़ दिया कि 1 2 3 बोलेंगे। सर इस 1 2 3 ने मुझे याद है कि हमारे उस वक्त के बहुत बड़े GM थे, उन्होंने ये मुझे अवार्ड देते हुए कहा जो आपने भी फरमाया कि छोटी सी दुनिया से कूद कर बड़ी दुनिया में आने वाला आफ्ताब आलम। माशाल्लाह, आपका चेहरा जो है ना किसी सियासी शख्सियत से मिलता है, मुझे पता है वो। मुझे याद आया, मेरा वो नाम लीजिएगा वरना फिर बाहर मोबाइल खड़ी है। आफ्ताब भाई, आपने अपना सफर जो है जिंदगी का वो आदम जी से शुरू किया, आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मैं जरा, मैं रऊफ भाई ये कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन आपसे और आपके इस चैनल से इतना खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपके तवस्सु से लोगों को पता चले कि आदमी कैसे आगे आता है। मैं अक्सर दोस्तों में बैठा रहता था, लतीफ़े सुनाना जो आदत है अभी भी, यहाँ आपके यहाँ आकर सबसे छेड़खानी कर रहा हूँ। आपके जो प्रोड्यूसर है उसको भी जाके मैंने बोला भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी देखते रह गए कि आते फ्री हो गया है। खैर, तो मैं उस वक्त हंसाता था तो एक उस्मान मेमन मेरे उस्ताद मोहतरम, क्या बात, मेमनी ड्रामों के बादशाह, वो कहते थे मैं तुझे ड्रामे में लूँगा। बहरहाल एक दिन वो आए, उन्होंने कहा स्क्रिप्ट पढ़, मैंने पढ़ा, बोला बस हो गया, उसका ये टेम्पो था TVO कम TVO, चले जी रिहर्सल शुरू हुई। अच्छा, आर्टिस्ट लगते ही नहीं है, व्यापारी लगते हैं, है? बिजनेसमैन लगते हैं, बिजनेसमैन। हमारे मेहमानों की यही क्वालिटी है, अल्लाह की कसम, हम तो हैं आप तो भाई इसी तरह से, अल्लाह की कसम बिल्कुल सही है। हम तो मैयत में भी हो ना, तो आपस में भी बातें ये नहीं कर रहे होंगे वो मरा कैसे, आपस में भी बातें कर रहे होंगे, घबरिया क्या हुआ तेरे को, बिजनेस में तो खैर वो मेरे पाँव कांपने थे, मैंने ओरिजिनल कांपे, तालियों की गूंज, अब आफ्ताब आलम यहाँ से हुआ। वो ड्रामे का नाम था हथो हथ पसाणा, मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी नाटक था वो। जी हाँ, यानी हैंड टू हैंड पकड़े जाना। तो मैं इसके बाद ये हुआ कि उस ड्रामे में टॉप पर, फिर उर्दू ड्रामा किया तमाशा टॉप,
फिर मैंने पहली दफा टीवी पे काम किया, छोटी सी दुनिया टॉप, आज पहली दफा आपके चैनल में आया हूँ टॉप। उमर भाई के साथ हमने ड्रामा किया था, हम लोग अमेरिका गए थे जी हाँ, और हम जब एयरपोर्ट से नाजरीन बाहर निकले हैं तो आप यकीन करें लता मंगेशकर की जो सिस्टर थी आशा भोंसले, वो हाँ आफ्ताब भाई को पहचान गई। आफ्ताब भाई को पहचान करेगी और कहने लगी आप वही है ना जो बकरा किस्त में आते हैं टोपी से पैसे निकालते हैं। तो इन्होंने कहा मैं बकरा किस्त में नहीं, बकरा किस्तों पे मैं आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अकेले हैं इसलिए मैंने किस्त कहा। वो पहचान गई थी। हमारा शो आगे पीछे ही होते थे, सामने आमने भी होते थे। बड़ी मजे की बात है कि उसने तमाम लोगों को उस करेक्टर के लिहाज से पुकारा, चाचा को तो बाकायदा आदाब आदाब, और वो आशा जी ने कहा उमर भाई आपका ड्रामा जब हम थक जाते हैं ना तो आपका ड्रामा देखते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ये वैल्यू थी हमारे ड्रामा की, ये पाकिस्तानी ड्रामा की। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो भाई माशाल्लाह से बच्चे कितने आपके? दो बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर है, छोटा बेटा जैसे आपका बड़ा बेटा है ना वो आता नहीं, और छोटा आपकी तरह आपके साथ साथ कदम ब कदम है। अगर कोई ये देखे तो पता कर बता दे मुझे कि ये अब्दुल्ला आपका बेटा है जो अभी आपके सामने रोल कर रहा था, वही जो बुरखा पहनकर, कहीं उसने जंबिश नहीं की, कहीं ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा बाप खड़ा हुआ, और कहीं आपने ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा बेटा सामने, सलामत रहे। ये तो देखें, ये तो जिसमें टैलेंट होगा ना वही। अब देखें आपके एक साहबजादे एंकर हैं माशाल्लाह से, इतने बड़े होस्ट हैं, एक साहबजादे आपके इंजीनियर हैं, तो जो इंजीनियर है उसने कभी आपको ठीक करने की कोशिश की? हाँ उसने की, लेकिन वो जनरेटर का और सोलर सिस्टम का है, और मेरे पास दोनों चीजें थी। तो मैं चाहूंगा आफ्ताब भाई आप आए हैं, हमें टाइम दिया है, इतना टाइम आपने दिया है तो हमारा फर्ज है कुछ खाने पीने का पूछने। आप लोग खा पी के आए हो? राजा खिड़की में आ जा, आ गया। अस्सलाम वालेकुम लाला भाई। वालेकुम अस्सलाम। लाला भाई मैंने आपसे कल भी कहा था कि मेरा हिसाब किताब कर दो, अब मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या तू अपाज हो गया? क्या वजह है? लाला भाई खुद सोचो, इतने शो हो गए, आप आसरा देते रहे तो अब चेक आ रहा है, अब पेमेंट मिलेगी, एक रुपया नहीं दिया, जो मेहमान आता है उसको अपने पल्ले से खिलाना पड़ता है। तो खिला देगा तो क्या हो गया, खिलाना, चेक चेक की बात करो, वो बेचारे रोज मार्केट जाते हैं, चेक वाली कमीज नहीं मिलने होंगे। कौन आया ये देखो, शख्सियत क्यों आई हुई है। अरे लव यू सर, माँ माँ आजा आजा अंदर आजा, रचना खाना आजा। आप तो पुरानी खिलाड़ी हैं, वो चमेली के फूल जहाँ बिकते वो धुन बजा। आपने भी तो ना चैंपियन ट्रॉफी ली भी ना, आजा आजा बजा चमेली। खाला पेमेंट कौन देगा? आफ्ताब आलम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये है कौन? हैं? अरे क्या हो गया आफ्ताब आलम, आप खुद कह रही हैं आफ्ताब आलम, मैं जानू जर्मन। ये कब आया था, ये कब आया था जानू जर्मन? जब उस जमाने में आप, मेरा ख्याल है कोई इतनी होंगी उस जमाने में आप, इतनी इतनी थी जबकि ये आर्टिस्ट। अब तो बड़ी हो गई ना, पहले इतनी थी। अरे बहुत यार, एक डायलॉग सुना दो अपने जानू। मैं सुनाऊंगा इधर बच्चा जी सर।
तेरी खाला की शादी हो गई? नहीं कुंवारी, ये आपने करनी है। मैं भिजवा रहा हूँ। बिल्कुल जीरो मीटर। नहीं यार, पन्नी पैक। पन्नी सिगरेट के पैकेट की है, जीरो खुद की है इसने मीटर पीछे करके। लाला माशाल्लाह से ना पुराना गोविंदा लग रहा है। वाह 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 वाह। अखियों से गोली मारे। वाह वाह। अच्छा एक बात बताओ जी मेरी जान, ये आपका मुंह बड़ा या ढीला छोड़ा हुआ है? असल में कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो मैंने मुंह बड़ा कर लिया भाई। मुझे याद आ गया आफताब आलम का, इनका सबसे अच्छा रिएक्ट होता था। एक दफा कर दो आफताब भाई। आज 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 तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं बैठी हूँ, ट्राई ना करो, उधर जाओ। मैं माहौल समझ रही हूँ, सब माहौल समझ रही हूँ, उधर जाओ। ये जो नापीना वाला चश्मा लेके घूम रहे हो ना, ये सब समझ रही हूँ मैं। ये वेल्डिंग करते हो तुम पार्ट टाइम, मुझे पता है। ये वाला। अच्छा चलो ये वाला। तुम्हारा क्या अस्पताल के बेड जैसा मुंह है। क्या बात है। शायद जानू जर्मन में जो आपने इंग्लिश बोली, यकीन करे मैं भी उसी तरह की इंग्लिश। कैन यू टॉकिंग मी टू इंग्लिश टू से सर प्लीज सर सम से। यस 1 2 3 4। यस थैंक यू सर, बट लिटिल सम टू से आई एम फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 90 किडनी 88 99। यस 100। गुड बाय, गुड नाइट, हाफ माइंड। सर आप इतने मुल्कों के धुरे करते रहे हैं, सर हमारी रशीदा खाला के लिए अगर आपकी जहन में कोई हो तो इनकी भी करवा दे, ये किसी सुपर स्टार से शादी करना चाहती है। और वो मुझे मिल गया। हाँ। आफताब आलम मेरी शादी करा दो, पड़े पड़े फफूंदियां लग रही है। ग्रीन ग्रीन रंग की होती जा रही हूँ, ग्रीन रंग की। तो मैंने सुना है कि तो आप जो हो हकीम भी हो। हकीम हैं आप? हकीम हूँ। तो अपना मसला बता लो जो कान में बोल रहा था। हाँ बता दो बेटा, हकीम हूँ तभी तो शादी कराता हूँ। ना ना बताना। अरे सर मेरे बाल बहुत उड़ रहे हैं। बस बाल ही उड़ रहे हैं ना। जी जी। फिर शादी करा सकता हूँ। तेरे बाल गिर रहे हैं? हाँ। नीचे से हड्डियाँ। हाँ अच्छा ये बताओ खाएंगे क्या? ये सर खाने में बताया। हाँ लिखिए बेटा। छोड़ दे आज, रहने दे। मैं इसको बोल रही हूँ। जी जी सर खाने में लिखो जी। पिज्जा मिल जाएगा सर? तंदूर की रोटी मिल जाएगी, उस पर बोलो तो केचप और मायनी डाल के दे सकते, इतना बजट नहीं है। वाह वाह दोबारा यही बोलूं दोबारा दलील होने के लिए? नहीं नहीं आज और ले। क्या मिलेगा यहाँ आपके पास? सर आप क्या खाना चाहेंगे? एक काम करो, चटनी और रोटी ले आओ। ये हुई ना बात सर, ये होते हैं मेहमान। ये मेहमान नहीं है, हमें पहचान गए कि यहाँ से चटनी रोटी के अलावा मिलेगा कुछ नहीं। और घर घर जैसा माहौल। और दुआ करो कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाए, वरना हम चटनी रोटी ही खाएंगे। अल्लाह परवरदिगार हमारे मुल्क पे रहम करे, रब्बुल आलमीन, और बेहतर से बेहतर हो जाए। बदतमीजी नहीं करो। बदतमीजी की है इन्होंने? नहीं मैंने नहीं की, असल में उनको यहाँ से खारिज शुरू होती है, मैंने कहा एक बार फिर शुरू हो जाए। खुल रहे हो ना आफ्ताब, तुम खुल रहे हो बेटे। बेटे हाँ तू मुझसे छोटा है ना, हालांकि बचपन से मैं तेरे ड्रामे देख रही हूँ। अच्छा राजा कुछ एक काम करो जी, जी अच्छी सी डिश लेके आओ। डिश इनके साथ डिश कर दे। अरे नहीं खाना क्या हो गया? क्या वो मेहमान है हमारे? अबे ये मेहमान क्या लगा लो, कितने मिनट के मेहमान हो? अरे अल्लाह जिंदगी दे यार हमारे शो। वही तो कह रही हूँ कि 2 घंटे के मेहमान है, उसके बाद दूसरा मेहमान है, और 9 महीने बाद फिर मेहमान है। चले रशीदा खाला मेरे ख्याल से कुछ खाने को ले। पिज्जा बोला था इन्होंने? पिज्जा बोला था। पिज्जा याद रखियो। हाँ हाँ। जिसमें सब्जी चिपकी हुई होती है। हाँ हाँ। आ रशीदा खाला आ जाते हैं। पकड़ इसको, पकड़ पकड़। क्या छोड़ा था मुझ पे आपने? आप तो भाई कैसे लगे ये दोनों हमारे कैरेक्टर? बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट आए, अल्लाह करे कि ये हमारे इस चैनल से इतना उरूज हासिल करें कि हम इनसे मिलने के लिए टाइम मांगे। ये तो क्या मतलब, यहाँ से जाने के बाद डॉक्टर बन जाएंगे जो टाइम लें? यहाँ से जाने के बाद इस मुल्क का कमाल है, पड़ा हुआ है आदमी, कोई नहीं पूछ रहा, और अगर आगे निकल गया तो उसके घर के पास जाते। मैं तो आपका बचपन से फैन था, और पहले कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता, बिल्कुल राइट। अच्छा आप तो भाई एक बात बताए,
आपने माशाल्लाह से इतने ड्रामे स्टेज के, कभी वन मैन शो किया अकेला? किया तो है आपने, खैर मैंने तो देखा है अक्सर आपको कंपेयरिंग करते हुए और कंपेयरिंग के दौरान आइटम सुनाते हुए। हमारा ये मंच है ऊलाला, तो यहाँ पे ये सेगमेंट है हेलो माइक चेक। मैं चाहूंगा कि आप तब भाई आप थोड़ा सा हमारे हेलो माइक चेक पे आए। एक ही नतीबा सुनाना है ना? एक कोई भी कोई, क्योंकि फनकार का ये कमाल होता है कि जब माइक मिलता है तो छोड़ता ही नहीं है। ये बात तो जिया शरीफ की भी है। एक मेहमान सुबह ही सुबह उठकर आहिस्ता 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 बावर्ची खाने की तरफ गया। इसकी बीवी ने देखा कि क्या हो गया इसको। वहाँ गया, शुगर का डब्बा मतलब चीनी का डब्बा खोला और चीनी के डब्बे में हाथ घुमाया, हंसा, ढक्कन बंद करके आ गया। दूसरे दिन फिर गया, फिर वही आहिस्ता आहिस्ता। इसकी बीवी ने सोचा कि रज्जाक का बाप क्या पागल हो गया। फिर गया और शुगर का डब्बा खोला, आहिस्ता आहिस्ता देखा, बंद किया और चलाया। तीसरे दिन गया तो इसकी बीवी ने आवाज लगाई बेडरूम में से, ए रजाक के बाप क्या पागल हो गए हो? आपको क्या लगता है हम चीनी खा जाते के रोज जाके चेक करते हो? अरे हमारे पास तो मेहमान आता ना उसको भी बोलते कि चीनी मत खाओ शुगर हो जाएगी, आप रोज जाके डब्बा देखते हो? उसने कहा चुप कर रजाक की माँ, मेरे को कहती है पागल हो। अरे मेरे को डॉक्टर ने कहा है सुबह ही सुबह आप अपनी शुगर चेक किया करो। अच्छा मैं आया यूं था, जा यूं रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं नहीं अच्छा यहां से गए यहां से निकले आपका पेट्रोल कम खर्च होगा। हाँ बजाओ यार, खानदान खुल जाता है। तो खातिन हजरात टाइम हुआ है हमारे सेगमेंट हेलो माइक चेक का, और अब तो भाई मैं उन दोनों शहजादों को बुलाने लगा हूँ, सिकंदर सनम के साहबजादे शहबाज और ज़ुएब सनम। यहाँ भी धोखा, यहाँ बजा रहा और यहाँ से निकले। अस्सलाम वालेकुम लाला सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आफताब सर। अस्सलाम वालेकुम लाला अंकल, आफताब अंकल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुसुर अब्बू। अबे ये क्या कर रहा है? मैं बड़े हो हाथ चूम रहा हूँ। हाथ छोड़। क्यों सर इतना चोर दामाद है मेरा? पिछली दफा भी इसने मेरा हाथ चूमे, बाद में जब मैंने हाथ देखा तो घड़ी गायब थी। तो अपना भी तो बताओ ना। मैंने क्या किया बताओ? शादी से पहले मुझे कह रहे मेरी बेटी तेरी जिंदगी जन्नत बना देगी, वो तो शादी के बाद पता चला जन्नत तो दूर की बात, उसे तो दाल चावल बनाने नहीं आते। आखिर खराबी क्या है मेरी बेटी में? अबे मेरी बेटी देख फूल जैसी। पूरा बोलो ना, कहा गोभी के फूल जैसी तो है? मेरी तुम्हारी बेटी तो शादी करेंगे मैं फंस गया हूँ। अरे क्या फंस गया? अबे बेटा तुझे क्या पता, मेरी बेटी तो जिस गली से गुजरती थी ना लड़के देख के बेहोश हो जाते थे। ओहो बेहोश हो जाए, बेहोश तो होंगे, महीना महीना नाती जो नहीं है। अबे धोखा तो तेरे घर वालों ने भी हमें दिया। अबे क्या दे दिया धोखा? भाई तेरी माँ से हमने पूछा लड़का क्या करता है, इसकी माँ ने बोला भाई लड़का बहुत बड़ा खिलाड़ी है भागता है। मैं समझा कि रेस का बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा रेस में भागता होगा। शादी के बाद पता चला कमीना लोगों से पैसे उधार लेके भागता है। कसम से सुसर तो दूसरों के होते हैं, जिनके दोस्त भी दामाद के गले लगकर कहते हैं। क्या मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे। मरहूम से मुझे याद आया मैं तुझे किस्सा सुनाता हूँ। सुनाओ। मेरा एक दोस्त था उसका एक इकलौता बेटा था। अच्छा। उसने अपने बेटे को 0 मीटर बाइक दिलाई। जैसे उसका बेटा बाइक लेके रोड पे गया है बेटे का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा लड़का मर गया। तो ये किस्सा तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? चला तुझे भी बाइक दिला दू। भाई मुझे नहीं चाहिए बाइक। आफ्ताब भाई थोड़ा सा मुझे ये बताएं आजकल क्या मसरूफियत है? सर सबसे बड़ी मसरूफियत तो ये है कि 3 प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह।
जियो का एक ड्रामा है उसमें काम कर रहा हूँ। 3 माह के बाद फिर 7वीं दफा अमेरिका शो लेके जा रहा हूँ। माशाल्लाह आफ्ताब भाई इतना काम किया, मतलब मैं 40-45 साल तो हो गए होंगे तकरीबन आपको काम करते हुए, और आज भी हमने आफ्ताब आलम को उसी एनर्जी में देखा उसी फॉर्म में, माशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आप वैसे आर्टिस्ट तो कमाल ही हैं, कॉमेडियन भी हैं और ऑलराउंडर हैं, मतलब हर किस्म का कैरेक्टर किया आपने। हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी याददाश्त कितनी मजबूत है। या अल्लाह, हमारा ये सेगमेंट है, इसमें जो है ना हम कुछ आवाजें आपको सुनाएंगे जिन्हों आपने पहचाननी है कि ये कौन सा एक्टर है या कौन सी एक्ट्रेस है, ठीक है? अब देखते हैं कि कौन है क्या है। पहली आवाज, अगर अल्लाह मियां अपने बंदे से पूछे कि तुमको कौन सी चीज अजीज है, जो भी प्यारी चीज है उसको तुम कुर्बान कर दो, तो आप क्या कुर्बान करेंगे? भाई हम तो गुनाहगार आदमी हैं, ये सवाल तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से करता है। नहीं नहीं, एक सवाल है, मतलब एक फर्ज कर लो मिसाल के तौर पर, मतलब ऐसा है तो आप किसको कुर्बान? आफ्ताब भाई यादों में चले गए, पहचान तो लिया है इन्होंने, इतना तो मुझे पता है। मेरे तो उस्ताद भी, इतने बड़े उस्ताद, इतने बड़े लेजेंड, कि आज आपने उनकी आवाज़ सुनाकर मुझे माजी में ले गए कि मैं क्या था उनके सामने। मुझे भी उनका नाम पता है, लेकिन इनके उस्ताद थे, इनकी ज़बानी सुनेंगे और हम सब उसके लिए तालियां बजाएंगे। जी रघु भाई, और ये हमारे समझ लें कि कराची स्टेज के बेताज राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब थे, लेजेंडरी रजाक राजू मरहूम। सेकंड आवाज सुनाइएगा। एक ही छोकरी है वो भी बहन है, खा फायदा, आदमी टाइम भी किधर पास करे, कोई नजर नहीं आए। जी बताएं आफ्ताब भाई किसके आवाज? इसको कहते हैं अपने मियां मिट्ठू, लेकिन नहीं अपने मियां मिट्ठू नहीं, ये हमारा चहीता आर्टिस्ट है, हरदिल अजीज आर्टिस्ट है। नहीं मैंने नहीं बोला, इन्होंने लगा दी है, मैंने कहा आर्टिस्ट की आवाज है, इनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे अल्लाह इसे सलामत रखे, सलामत रखे। मुझे ये पता नहीं कौन से ड्रामे से हमारा फाद है ना, आपकी आवाज में जो है ना एक बुर्दबारी है ना, आप कितना भी छुपो, किसी वॉशरूम से भी बोलोगे तो लोग कहेंगे कि रऊफ ना रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि मैं ना नहीं रहूंगा उधर हमारा जो ये आवाजों का जो सिस्टम, हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर है फादी, वो मट्टी में से मछलियां निकाल लेता, वो समंदर में जाने की जरूरत नहीं, तो वो आवाजें निकालने का मास्टर है। तीसरी आवाज सुनाए। बगदाद की बीवी थी, क्या ये वही औरत नहीं जो आपके 2 बच्चों की माँ भी है? क्या ये वही औरत नहीं जो शादी से पहले दवाए, जिससे आपने मोहब्बत के अनगिनत वादे किए, लेकिन अपनी हवस की तस्कीन की सेवा पूरा एक भी ना कर सकी? ये गलत है, ये झूठ। 2 जवाब आप दुरुस्त दे चुके हैं, तीसरी आवाज मेरा ख्याल है जान पहचान तो गए हैं। अब हम सब छोड़े, इस बच्चे से पूछता हूँ, बता बेटा तू कौन, तू जानता है उसे, कौन थे ये? चल कोई पहुंचा, बारे नहीं पहुंचा, इनकी... कोई पहुंचा नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया। इसकी वजह ये कि वहीद मुराद के साथ ये बहुत रहे। 4थी आवाज सुना दे। अदलिया और मीडिया स्थान एक आजाद बोल भाई, मुबारक हो, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो आप मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में, क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई, कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है। पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत, अब बताएं ये फनकार को। सर यहां पर मैं अभी नहीं पहुंच पाया हूं, क्या दोबारा सुन सकते हैं या फिर बता दो, क्योंकि पहुंच नहीं पाया हूं अभी तक वहां। ये थे जनाब लेजेंडरी मुईन अख्तर साहब। वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे मुईन भाई, इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं इसलिए कि आज ये रऊफ के प्रोग्राम में पता नहीं क्या क्या दिल चाहता है, सब बोलता रहूं, पता नहीं टाइम कितना होगा, कितना एडिट होगा कि बस यही पाबंदी है कि हमारा। मैं ये सच्चा किस्सा सुना दूं पब्लिक को कि उन्होंने मुईन भाई ने मुझे अपनी जगह पर साउथ अफ्रीका भेजा
क्योंकि उनका इन दिनों प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे भेजा और मुझे कहा फिक्र नहीं कर तू जा, और मुझे उसने कहा किसी को बताना नहीं। एयरपोर्ट पे आए मोइन भाई, ये सच है मरूम है आप, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इन्होंने कहा मुझे सीने में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट का कहा है। सारे आर्टिस्ट मौजूद थे, बोले मैं अपनी जगह पर क्योंकि मेमनी भी बोल लेता है, टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेता है और उर्दू भी बोल लेता है, तो मैं आफ्ताब आलम को भेज रहा हूँ। मम्मी झटका लगा, यार सच्ची भेज रहे हैं, इससे पहले मैं लंदन से आया था। फिर वो जब शो करके आया तो मुझे 3 शो वहाँ और मिले साउथ अफ्रीका में, तो मोइन भाई ने मुझे एक दिन बुला के कहा कि देख कुदरत किसी की मेहनत रायगा नहीं करती, ये मोइन अख्तर अल्लाह उसको लेजेंड को लंबी उम्र देता, वो उसकी मर्जी थी, लेकिन जितनी उम्र दी रब ने उसने अपनी उम्र में नाम ही कमाया है, कभी नाम गंवाया नहीं है। क्या बात, हमारा हर स्टार अपनी जगह चमकता सितारा है, वाकई में है। हमसे जुदा तो हो गए, हमारे दिलों से जुदा नहीं होंगे इंशाल्लाह। जब तक पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कॉमेडी है, हमारे ये लेजेंड हमारे दिलों से, हमारी समातों से, हमारे जहनों से कभी भी ये नहीं जाएंगे। आफ्ताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज यहाँ आए, मेरे शो को 4 चांद लगाया, मुझे इज्जत दी, आपका छोटा भाई हूँ, आपने बड़ा प्यार दिया, मेरी एक आवाज़ पे आप आ गए। कुछ कहना चाहेंगे मेरे शो के हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रऊफ आपको और आपकी टीम को मुबारक हो। थैंक यू। बेशुमार शोज किए और करता रहता हूँ, लेकिन इस शो में सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये हर एक अपनी जगह पर नगीने की तरह है, ये मेरा बैंड। सुभान अल्लाह यार, कुछ आपके बारे में वक्त नहीं है, वरना मैं इतना कहूँगा कि आप क्यों को समझते हो आर्टिस्ट कब बोल रहा है और कब नहीं, आपने कहीं गलत जगह पर बैंड नहीं बजाया, सलामत रहें आप लोग। एक्चुअली ये आफ्ताब भाई थिएटर बजाते हैं ना, अपने प्ले बजाते हैं, हाँ, इनको अपने साथ ही रखा है, बहुत है। पता हमारी टाइमिंग का, कहाँ पंच आना है, कहाँ अब लास्ट क्यू है, तो वो उस पर ही प्रॉपर आते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात, ये माशाल्लाह यहाँ प्रॉपर नहीं आते हैं, 2:30 बजे का टाइम होता है, आते 4 बजे। हाँ ये थोड़ा आज लेट, वो दूध देने जाता ना, ये अखबार डालने जाता है और ये दूध और अखबार उठा के आता है, फिर दोबारा जाता है फिर डालने के लिए। अच्छा, आप तो भाई बड़ी खुशी, मुझे आपके इस प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं पता, लेकिन बाज दफा पसे पड़ता जो लोग होते हैं ना, वो भी कमाल होते हैं, जिनका काम, उनकी काविशें, ये तो काविशें, ये तो सामने मौजूद थे। अब मुझे ये कहने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर मैं गुजारिश करूँ, अल्लाह करे हो जाए, कि हमारा जो प्रोड्यूसर बैठा हुआ है वो, और हमारे कुछ कैमरामैन, क्योंकि एक तो सामने लाइव ले रहा होगा मैं, कुछ आ जाएँ, और वो जो आर्टिस्ट जिन्होंने मेरे को दिल खुश किया, शहबाज सनम उसका भाई, और वो जो आए थे दो, यार क्या कॉमेडियन थे, अगर वो हम सब आ जाएँ। वो ड्रेसिंग कर रहे हैं दूसरे शो की। अच्छा, और कैमरा छोड़ के ये नहीं आ सकते, एक भी नहीं, एक भी कोई भी नहीं आ सकता सर, आप आ गए फिर सारे आ गए। अब मसला ये है कि ये है माइक, शो का हो रहा है एंड, और हमारे आफ्ताब भाई हमारे साथ हों और गुजराती रासड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? वाह, एक शानदार सा हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुबारक हो अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को। ओ लाला, जब भी लोग देखें तो फख्र से आपको कहें ओ लाला, बजा दो तालियां, मेहंदी मेहंदी तो मेहंदी लगाओ जो आप चाहें। मेहंदी देवा भी